लोगों से। और मेरी वाली तो किचन मेरे हवाले ऐसे करती थी जैसे मटर के हवाले पनीर, कि भाई काम चल ही नहीं सकता, लाख कोशिश कर लो। नहीं नहीं, ये सब शौक नहीं है मेरे कि मैं किसी कि पंचायत सुनो या ये देखूं कि किसके घर क्या बन रहा है। वो जो आप लोगों के हाथ में ये नाश्ते की प्लेट है ना, वो दे दीजिए, मांझना है मुझे। अरे बस करना सरिता, तंग आ गई हूँ मैं ये तेरी बर्तन धोने की आदत से। अभी प्लेट में खाना डाला नहीं कि तेरी नजर बर्तन धोने में लग जाती है। अरे तो क्या घर के बर्तन को गंदा रहने दे माँ, ऐसा है तो मेरी शादी करवा दे तू किसी जॉइंट फैमिली में। मेरा तो सपना है कि लंबा चौड़ा परिवार हो और सारा दिन बर्तन ही निकले, और मैं कोमल कोमल बुच्चे में साबुन लगाकर एक एक बर्तन को प्यार से धो कितना मजा आएगा ना। ये तो पहली बार देख रहा कि किसी को बर्तन धोने का शौक इस कदर है कि सपने में भी ससुराल में बर्तन धोती हो। अरे करा दे वो वर्मा जी के लड़के से इसकी शादी, बर्तन धोती ही रहेगी, सारा दिन परिवार लगा रहता है खाना बनाने में। खैर वो तभी यही है कि लंबे चौड़े परिवार में सरिता की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन रात में, बहू जा जाकर आराम कर ले, सारा दिन रस्मों रिवाजों की मेहनत से तंग आ गई होगी, सो जा जाकर। बहू की नजर आंगन में बर्तनों के ढेर पर पड़ती है। अरे वो तो कल काम वाली आएगी ना तो पूरा बर्तन साफ कर देगी, जल्दी आती है, तेरे उठने से पहले तुझे सब साफ दिखेगा, जा बो चिंता ना कर। लेकिन सरिता का तो सपना कुछ और ही था। वो सबके सो जाने के बाद लहंगा चेंज करके बैठ जाती है आंगन में बर्तन धोने। एक एक कर सरिता सारे बर्तन चमका देती है और सोने चली जाती है। अगली सुबह काम वाली, हाय रे बर्तन कहाँ गए सारे झूठे, रोज तो सुबह से ही इस घर में ऐसे बर्तन निकलते हैं जैसे लंगर निपटाया हो रात में। लेकिन आज तो एक भी चम्मच नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। कामवाली वहाँ से चली जाती है। लोगों को लगता है कि कामवाली बर्तन धोकर चली गई है। अरे नहीं बहू सरिता, बेटा हम लोगों के घर में तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस अपना व्यवहार अच्छा रखना और हाँ झूठ ना बोलना इस घर में, ठीक है बेटा। सास ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और फिर शुरू हो जाता है रसोई का काम। लोगों के लिए खाना बनाना, खाना खाना, ढेर सारा बर्तनों का निकलना। सरिता फिर देर रात खाना खाकर आंगन में देखती है कि ढेर सारे बर्तन पड़े हैं। हाय रे मजा ही आ गया, आज तो बर्तनों का ढेर है, एक एक को मांझ कर चमका दूंगी। फिर सरिता कमरे में जाती है और सिंपल साड़ी पहनकर कमरे से बाहर जा ही रही होती है कि पति टोक देता है। ये क्या है सरिता, कई दिनों से देख रहा हूँ तुम रोज देर रात तैयार होकर कहीं जाती हो, क्या इस मोहल्ले में कुछ चल रहा है क्या तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं जी, मेरा इस क्या किसी मोहल्ले में कुछ नहीं चल रहा है, वो तो मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। बर्तन धोने क्यों भला? बर्तन धोने तो काम वाली सुबह आती है ना, पूरे 2000 लेती है वो हम लोगों के घर से, वो भी एक वक्त के बर्तन धोने के। कैसी बात कर रहे हैं, मेरे होते हुए 2000 काम वाली को दिए जाए? ना जी ना, मैं ही मांजूंगी आज से बर्तन, बस माँ जी का डर है कहीं उन्हें पता ना चल जाए। हाँ हाँ पता क्या चलना है, उन्हें तो मैं खुद ही बता दूंगा कि रोज रात को तुम घर के सारे बर्तन धो डालती हो। सरिता पति पर जोर से चिल्लाती है। हाँ हाँ बोल दो, जाओ बोलो, मैं भी साफ साफ कह दे रही हूँ अगर मुझे बर्तन धोने नहीं मिलेंगे ना तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी, फिर बोलते रहना सबको कि बीवी चली गई बीवी चली गई। अरे नहीं नहीं जाने की बात मत करो, जाओ जाओ धो बर्तन, और अगर बर्तन कम पड़े ना तो आस पड़ोस के भी धो डालना। हाय रे ऐसी काम वाली से हमारी किस्मत कहा कि बर्तनों का ढेर हो और मैं अकेली। सरिता फिर आंगन में रखे सारे बर्तन धोने लगती है, लेकिन बर्तनों की खटर पटर की आवाज से सास उठ जाती है। अरे अरे सरिता बहू, ये क्या बेटा तू बर्तन क्यों धो रही है, अभी तो तेरे हाथ
हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। सास को यूं अचानक देखकर सरिता घबरा जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। एक पल तो सोचती है कि सब सच बता दे, लेकिन बर्तनों के ढेर को देखकर ललचा जाती है। वो माँ जी, किचन में कोई ग्लास नहीं था, इनको प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा दो चार। अरे ना ना बहू ना, बर्तनों को हाथ मत लगाना, ये सब नौकरानी का काम है। तुम ऊपर से शीशे का ग्लास निकाल लो, जाओ। तुम तो राजकुमारी हो हम लोगों के घर की, बर्तन मांजने थोड़ी ना लाए हैं तुम्हें। जाओ कमरे में जाओ बेटा। मन मार कर सरिता कमरे में आ जाती है। उसे बेचैनी होती है कि वो बर्तन नहीं धो पाई, जिस कारण से वो करवटें बदलने लगती है। उसे नींद नहीं आती, लेकिन पति उसकी परेशानी समझ जाता है। चलो मैं धुलवाता हूँ तुमसे बर्तन, मैं खड़ा रहूंगा, देखता रहूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा, और तुम बर्तन धोना, ठीक है? फिर क्या था, पति खड़ा होता है और सरिता एक एक कर सारे बर्तन धो देती है। अगली सुबह फिर सबके उठने से पहले कामवाली आती है, लेकिन उसे कहीं झूठे बर्तन नहीं मिलते। हे भगवान, इस घर से तो मुझे मोटा पैसा मिलता है, अगर इसी घर में बर्तन नहीं होंगे तो मेरा तो मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कौन सारा बर्तन धोता है। हो ना हो, बुढ़िया नई बहू पर ही सितम कर रही होगी, उसी से सारे बर्तन धुलवा रही होगी। बेचारी के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और बुढ़िया सास। अरे रुक, तेरी तो खबर मैं लेती हूँ। नौकरानी घूम घूम कर आस पास हर जगह ये बात फैला देती है कि सास बहू से बर्तन धुलवाती है। अब क्या था, खबर जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। एक रोज सास और सरिता दोनों मंदिर जा रहे होते हैं कि अरे बहन जी, शर्म नहीं आती, नई नवेली बहू जिसके हाथ से अभी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, उसे नौकरानी बना रखा है। और इतने लोग हो घर में, सारा दिन आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है, और इतना सारा बर्तन बहू से धुलवाती हो, वो भी जो कल को आई। अरे शर्म करो भाई। सास समझ ही नहीं पाती कि वो लोग उसे भला बुरा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन सास की बुराई सरिता को अच्छी नहीं लगती। वो सबके सामने आकर जोर से सास का पक्ष लेकर कहती है, मेरी सास मुझसे बर्तन नहीं धुलवाती, बल्कि ये मेरा शौक है। मेरी सास ने तो मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया है, वो मैं ही हूँ जो नौकरानी बनना चाहती हूँ, क्योंकि बर्तन मांजना मेरा शौक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। आप लोग चुगली करते हो, लोगों के मुँह में उनकी बुराई करते हो, और न जाने क्या क्या, इन सबसे तो अच्छा ही है ना बर्तन मांजना। सास को बहू की बातों से गर्व होता है। बहू, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, छोटी तो इन जैसे लोगों की सोच होती है। चल आज से बर्तन तू ही धोना, खुश?